सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ था महंगाई का कि जी महंगाई मार्च आ गई इमरान खान ने महंगाई कर दी कत्ल कर दिया लोगों को मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स जो आज चुप करके बैठी हुई हैं सनाटा छाया हुआ है वहां बोल नहीं रहे वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं उसके ऊपर शोर मच गया है मेरी जाति घड़ी है मैं उसे बेचूं मैं जो मर्जी करूं उसे उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कतल हो रहा है हमारे दौर में माइक जा रहा होता था सबके सामने अच्छा जी बताएं कितनी महंगाई है कितनी तकलीफ है चुन चुन के आज क्यों नहीं जा रहे है? आज जरा यह सुने कि हमारे दौर में जब लोगों के पास जा रहे थे महंगाई कितनी थी तो इन्फ्लेशन थी बारह इशारिया पांच फीसद उस पर जनाब बिलावल भुट्टो ने इतना जोश में कि मैं महंगाई मार्च करने लगा हूं मैं कंप्यूटर देंगे इस्लामाबाद में पहुंच के तो आज महंगाई किधर पहुंची है चौबीस फीसद के ऊपर दुगनी है आज महंगाई उस दौर की कोई किसी को फिक्र नहीं है कि महंगाई में क्या हो रहा है पचास साल में सबसे ज्यादा महंगाई आज पाकिस्तान में कितने हैं लोग ये कितने हैं वो है वो मीडिया हाउसेस अपने जमीर जित पैसा सब कुछ नहीं है पैसे के पीछे चोरों की ना मदद करें इस मुल्क में चोरों का ना बचाएं अपने पैसे जमीर बेच के आज दुगनी महंगाई है और कौन सी क्यामत आ गई कि तब से और अब में कितना महंगाई असल तो हुई थी तेल की वजह से हम क्यों फंसे हुए थे इंपोर्टेड महंगाई थी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई थी कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस थे तो आज आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है अस्सी डॉलर से भी नीचे आ गई है आज सत्तर और अस्सी डॉलर के बीच में कीमत है हमारे दौर में 103 डॉलर से 115 डॉलर तक तेल की कीमत थी जिसकी वजह से हमें मुश्किल पड़ी हुई थी महंगाई रोकने के लिए तो हम जब कहते थे कि बाहर से महंगाई है तब तो, तो कोई नहीं सुनता था और आज यही लोग जबकि नीचे आ चुकी है तेल की कीमत और आज महंगाई आसमानों पे है आज सनाटा है आज हमारे दौर में जो 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 पेट्रोल और डीजल था वो डेढ़ सौ रुपए लीटर पे था आज कोई दो सौ चौंतीस रुपए पे एक है दो सौ दो सौ तो चौबीस पे एक है दो सौ छत्तीस पे, पे डीजल है तो आज क्यों नहीं जब डॉलर नीचे जब जब तेल नीचे आ गया है तो आज क्यों नहीं किसी को फिक्र कि लोगों की कमर तोड़ दी है ये आ, पेट्रोल और डीजल के आसमानों पर कीमत गई है जो आम आदमी को अफेक्ट करती है फिर जो जो अब मैं खतरनाक चीजें आपको बताने लगा हूं कि देखिए हमारा मसला क्या मुल्क का हमारा मसला यह है कि ये जो दो खानदान तीस साल से बैठे हुए थे और उससे उससे पहले मिलिट्री डिकटेटर्स थे साठ की दहाई के बाद कभी किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने जोर नहीं लगाया एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में जब तक आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे डॉलर्स मुल्क में कैसे आएंगे नून लीग के पिछले पांच साल में एक्सपोर्ट्स जीरो बढ़ी हैं पांच सालों में इनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी तो जब एक्सपोर्ट्स ही बढ़ेंगी मुझे आज तक यह नहीं समझ आई कि मुल्क की दौलत में कैसे इजाफा होगा कैसे एशिया टाइगर बना देंगे तो लाहौर को पेरिस में बना देंगे जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी वो मुल्क कभी भी कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकता उसकी दौलत में इजाफा नहीं हो सकता चाइना चाइना जो आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स आज उनकी पता नहीं 2000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं हमारी आज एक्सपोर्ट जब हमें मिला था पाकिस्तान से तो चौबीस अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी बाईस करोड़ पाकिस्तानियों की और हमें फख्र है कि हम उसको ले गए तैंतीस अरब डॉलर पर क्योंकि वो भी बड़ा जोर लगा के क्योंकि कोरोना था कोरोना की वजह से दुनिया बंद हुई हुई थी दो साल तो चाइना बंद रहा है तो उसके बावजूद हम तैंतीस ते, अरब डॉलर तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कभी किसी ने जोर लगाया नहीं है तो आज पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक बात क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई है जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी और जो जो रिकॉर्ड पर पहुंची थी और हमारा ख्याल था कि अगर हम रहते तो वो अड़तीस अरब डॉलर पर पहुंच जानी थी वो अब हर हर महीने 18 फीसद एक्सपोर्ट पाकिस्तान की गिर रही हैं तो बजाय दौलत में इजाफा होने के वो नीचे आ रहा है जो हमारी रेमिटेंसेज हैं जो हमारा जो जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं एक तो उनको इतम नहीं है इस हुकूमत पर दूसरा और वो है कि हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज वो कम होने शुरू हो गए हैं पाकिस्तानीज ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानी ने और दूसरा कि जब इतना बड़ा फर्क आ जाए ऑफिशियल डॉलर की रेट में और आ, मार्केट रेट में तो वो तो एकदम सीधा ही उसका फर्क पड़ेगा रेमिटेंसेस में तो जब डॉलर हमारे मुल्क में कम आने शुरू हो जाए तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब हम अपने कर्जों की किस्तें कैसे अदा करेंगे अगर हम अपना हम जो कोशिश पूरी पॉलिसी थी कि डॉलर्स हमारे बढ़े रेमिटेंसेस भी आए और आ, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े जो बढ़ रही थी और फिर हमारी कोशिश ये थी कि आई की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं जो पचहत्तर फीसद हमने बढ़ाई थी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए थे जिधर से हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी और चाइना से हमारी बड़ी आगे बात चल चुकी थी बदकस्मती से चाइना ने दो साल फिर से बंद हो गया चाइना तो जो वो चाइना आना जाना ही नामुमकिन हो गया उनकी जो क्वारंटीन लॉज ऐसे थे तो जो हमने उनसे अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करवानी थी उसने भी हमारे डॉलर की इंटेक बढ़ानी थी तो अब ना इन्वेस्टमेंट आ रही है एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जा रही हैं रिमिटेंसेज हमारी नीचे जा रही हैं डॉलर्स हमारे कम हो रहे हैं कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं तो किसने कैसे किस किसने अदा करनी है आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है ये कैसे किस्तें अदा करेंगे और ये मैं फिर से उसी पर आ गया हूं कि मुझे आज क्यों खतरा है क्यों हमारी तरह के लोगों को खतरा है और फिक्र पड़ी हुई है और क्यों इनको नहीं फिक्र मैं सबसे पूछता हूं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं अपने हर तबके के पाकिस्तानी से पूछता हूं कि क्या आपको फिक्र नहीं है कि आप पाकिस्तान किधर जा रहा है मैं जब इलेक्शन की बात करता हूं मैं इलेक्शन की अपनी जात के लिए नहीं बात कर रहा तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बात कर रहा तहरीक इंसाफ ने तो जब भी इलेक्शन करवाएंगे इन शाह जिस तरह की पब्लिक सपोर्ट है आज पी टी आई की पाकिस्तान की तारीख में किसी पोलिटिकल पार्टी की नहीं थी चारों सूबों में यह पार्टी फैली हुई बाकी तो दो पार्टीज रह गई हैं छोटी छोटी पार्टीज सूबाई पार्टीज बन गई हैं तो इन्होंने तो जब भी इलेक्शन जो हमने जीता है तो हमें यह नहीं फिक्र के अलग, अगर इलेक्शन टाइम पे होंगे तो हमें कोई फर्क पड़ जाएगा मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब यह गवर्नमेंट चलेगी इस मुल्क का जो माशी बुराना है वो बढ़ता जाएगा और वो क्यों बढ़ेगा क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती सियासी तौर पे मुल्क में इस्तकाम नहीं आता तो माशी तौर पे तो इस्तकाम आ ही नहीं सकता सारी दुनिया की कॉमन सेंस है कि मिशत तब तरक्की करती है जब सर्टिनटी होती है जब इस्तकाम होता है